नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों को क्रोशेट श्रद्धा चैनल में स्वागत है। आज मैं इस तरह का स्क्वायर मोटिव डिजाइन लेकर के आई हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस निकालेंगे, इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 6 2 3 4 5 1 6 छह सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स इसको यहीं से जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर हर चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 12 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको एक चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर इस तरह से लगाएंगे, 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद 4 लपेटेंगे, 2 3 4 4 लपेटने के बाद नेक्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे, 2 3 इस तरह से हो गया। फिर 2 और लपेटेंगे और इसको यहाँ से डाल करके फिर इस तरह से 3 हो गया फ्रेंड्स। 3 को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 छः चेन लेने के बाद फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 फिर 4 लपेटेंगे, 2 3 4 और इसको नेक्स्ट चेन में डालेंगे, 2 3 4 निकालेंगे, ये 2 बचेगा। फिर 2 और लपेटेंगे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और 1 2 और इसके 3 को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये टोटल 12 हो चुका है और इसको यहाँ पर कट कर देंगे एक चेन लेकर के। इसको पीछे इस तरह से सेट कर देंगे, इस तरह से। इसके बाद हरा रंग लगाएंगे, दूसरा कलर।
यहाँ बीच से फ्रंट, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसमें। फिर चार चेन लेंगे, 2 3 4, चार चेन लेने के बाद इसमें भी बीच में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर चार चेन लेंगे, 2 3 4, चार चेन लेने के बाद यहाँ पर बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे इसी पर रहने देंगे, फिर एक बार फिर लपेटेंगे, फिर ये 3 को एक साथ कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 2 2 3 चेन लेंगे, फिर इस तरह से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 2, फिर एक बार लपेटेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से बनाएंगे, 1, फिर एक में से एक बार निकालेंगे, फिर ये 3 को एक बार निकाल देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 2 3, उसके बाद इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक बार लेंगे, ये 3 को एक बार कर देंगे इस तरह से। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, चार चेन लेने के बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, बीच से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार लपेटेंगे, फिर इस तरह से 3 चेन लेंगे, 2 बार लपेटेंगे इसमें ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक बार लेंगे इस तरह से, एक इस तरह से, फिर एक में से ही एक बार और निकालेंगे, फिर 3 को एक साथ। फिर 3 चेन लेंगे, 6 देंगे, फिर एक बार लपेटेंगे, फिर 3 को एक साथ कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 3 4, और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से और इसको कट कर देंगे। इसको पीछे में सेट कर देंगे। इसके बाद व्हाइट कलर का ऊन लेंगे, इसको यहाँ से अटैच करेंगे। इस तरह से 2 चेन लेंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2,
इसके बाद तो इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक दो, एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। इसके बाद एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो एक दो, एक चेन लेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो फिर इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, इसके बाद इसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद इसका तीसरा वाला चेन दूसरा चेन इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर बीच में जो जहाँ एक चेन लिए थे वहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इसके बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर देंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए और इसमें से इस तरह से स्लिप स्टिच भी कर दिए। इसके बाद चार चेन लेंगे, दो तीन, चार चेन लेने के बाद एक दो छोड़ने के बाद तीसरा चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर चार चेन लेंगे, दो तीन चार, और एक कोना पर नेक्स्ट चेन में ही डाल करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर चार चेन लेंगे, दो तीन चार, एक दो छोड़ करके तीसरा में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार चेन लेंगे, एक दो छोड़ करके तीसरा में इस तरह से फ्रेंड्स इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से करके दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर इस तरह से करके इसको इस तरह से करके कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से स्क्वायर मोटिव डिज़ाइन कंप्लीट हो गया।
फ्रेंड्स, अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा स्क्वायर मोटिव डिज़ाइन कैसा लगा आपको। थैंक यू।